हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो हेयर स्ट्रेटनर का कंपैरिजन, जो कि है फिलिप्स वर्सेस आइकॉनिक। देखिए, दो हेयर स्ट्रेटनर आज मेरे पास हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास आइकॉनिक का। आप यहाँ देख रहे हैं, ये है मेरे पास आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनर। अब यहाँ पे इसका मॉडल नंबर S3 मॉडल नंबर है, टोटली पिंक कलर में ये है। और इसकी जो प्लेट्स हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं इसकी प्लेट्स और इसकी विड्थ, ये इसकी विड्थ है। इसकी प्लेट जो है वो सिरामिक की है। और अगर मैं फिलिप्स की बात करूँ तो मेरे पास दूसरा हेयर स्ट्रेटनर है, वो है मेरे पास यहाँ पे फिलिप्स का। आप ये देखिए, यहाँ ये है मेरे पास फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर, ये है मेरे पास फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर। आप देख रहे हैं इसकी जो प्लेट्स है, ये वाइट कलर की है और इसकी विड्थ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये दो मेरे पास दोनों हेयर स्ट्रेटनर है, फिलिप्स और आइकॉनिक। ये है मेरे पास आइकॉनिक एंड दिस वन आइकॉनिक एंड दिस वन इज फिलिप्स। ये देखिए। अब यहाँ पे मैं इन दोनों में कंपैरिजन बताऊं तो देखिए, फिलिप्स के हेयर स्ट्रेटनर, अगर हम फिलिप्स के बात करें तो इस हेयर स्ट्रेटनर में देखिए, फिलिप्स के बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनर हैं जिसमें कि टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे पास ये हेयर स्ट्रेटनर है, इसमें टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन नहीं है। मीन्स टू से कि जब हम इसे, इसकी जो लावायर की बात करें, इसकी जो लेंथ है, फिलिप्स के हेयर स्ट्रेटनर की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी लेंथ दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ जो है इसकी प्रोवाइड की गई है। तो दूसरी चीज़, ये रोटेट भी करता है। ये देखिए, ये रोटेट भी करता है, यानी 360 पे रोटेट कर सकता है। और इसकी जो प्लेट्स की बात करें, इसकी जो प्लेट्स हैं वो सिरामिक की हैं, और स्ट्रेट भी ये काफ़ी अच्छा करता है। ऐसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्ट्रेट अच्छा नहीं करता। फिलिप्स का स्ट्रेटनर काफ़ी अच्छा स्ट्रेट करता है। ऑब्वियसली ब्रांड का स्ट्रेटनर है, कंपनी का है, तो अच्छा तो करेगा ही। तो ये मल्टी, फिलिप्स का मल्टी स्टाइलर है। और इसकी, आप इसकी सिरामिक की प्लेट्स हैं और इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये है मेरे पास फिलिप्स का। और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। जब इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे, जब इसका बटन को ऊपर करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट है जो ब्लिंक होती है। ठीक है, तो ये हमारा फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर है। अगर हम चलें आइकॉनिक के हेयर स्ट्रेटनर की तरफ, तो ये है मेरे पास आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनर। इस स्ट्रेटनर, ये भी 360 डिग्री रोटेटेबल है, यानी कि जिस तरह फिलिप्स का रोटेट करता है ना, ऐसे ये भी 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें मुझे टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन मिला हुआ है। अगर मैं इसे चलाती हूँ और ये पावर का बटन है, सबसे नीचे वाला बटन पावर का, इसे प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे ये जो है पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर पे लाइट ब्लिंक होती है। और जब मैं इसमें प्लस और माइनस का ऑप्शन दिया गया है, जब मैं इसे प्लस करती हूँ तो यहाँ पे लाइट जो है वो, यानी टेम्परेचर जो है वो सेट होता है। इसका जो टेम्परेचर है 230 डिग्री तक का दिया गया है। ठीक है, 230 डिग्री टेम्परेचर इसका दिया गया। अगर इसकी प्लेट्स की बात करें तो इसकी प्लेट्स आप देख रहे हैं, इसकी विड्थ भी उतनी ही है जितनी फिलिप्स की थी। और साथ ही साथ ये जो है, ये देखिए, ये प्रेस भी हो जाती है। जब हम इसे स्ट्रेट करते हैं तो इसमें क्या है, कंपैटिबिलिटी है, ये प्रेस हो जाती है इजीली। और साथ ही साथ इसमें 100 लोएस्ट टेम्परेचर इसका 130 डिग्री है, जो कि मेंशन है यहाँ पे, और 230 डिग्री इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो अगर इसकी आइकॉनिक की S3 की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है। अगर मैं अपने रिव्यू दूं, अगर मुझे फिलिप्स वर्सेस आइकॉनिक में कौन सा अच्छा लगा, तो मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा है वो है आइकॉनिक का। मुझे आइकॉनिक ज़्यादा पसंद है, इसकी हीट कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो स्ट्रेट है, अगर आप, हम फिलिप्स मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मेरी स्ट्रेट तब तक ख़राब नहीं होती जब तक कि मैं नेक्स्ट टाइम वॉश ना कर लेती। यानी कि अगर मैं नियर अबाउट 4-5 डेज बाद भी वॉश करती हूँ इसे स्ट्रेट करने के बाद, तो मेरे जो हेयर्स हैं 4-5 डेज तक स्ट्रेट ही रहते हैं, वॉश तक इसके जो हेयर स्ट्रेट है वो खराब नहीं होती है। नेक्स्ट, तो आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो देखिए आइकॉनिक ज़्यादा बेस्ट लगता है। ये देखिए, इन दोनों में से मुझे तो आइकॉनिक ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटनर लगता है। मैं आइकॉनिक को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मैक्सिमम काम मैं आइकॉनिक से ही करती हूँ।
और साथ में है तो दोनों ही रोटेटेबल, दोनों ही 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं। अगर हम आइकॉनिक के वायर लेंथ की बात करें, जिस तरह फिलिप्स के वायर लेंथ बहुत अच्छी है, इस तरह आइकॉनिक की वायर लेंथ काफ़ी अच्छी है। और मैं इसे, और मेरा काम पार्लर का है तो मैं पता नहीं कितनी स्ट्रेट्स इससे कर चुकी हूँ, आई डोंट नो कि मैं कितनी, मुझे खुद भी काउंटिंग नहीं, मैं क्या नहीं बोल सकती, मैं ऑलरेडी इससे काफ़ी स्ट्रेट कर चुकी हूँ, और लेकिन इसमें मुझे अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसकी हीट कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेंटेनेंस है, और फिलिप्स की भी अच्छी है। मैं फिलिप्स को ये नहीं कह रही कि फिलिप्स की अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर आइकॉनिक ही प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके स्ट्रेट ज़्यादा पैटर्न लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आइकॉनिक अच्छा है, और आप देख लीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लगे। हाँ, अगर प्राइस की बात करूँ तो जो आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनर है आपको थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, ठीक है, ऑनेस्टली आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा फिलिप्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ये जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम है, आइकॉनिक के साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम है, और फिलिप्स के साथ भी वैसे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा लो बजट में चाहते हैं तो आप फिलिप्स इजीली परचेज कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं अगर आपको बस बजट थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप परचेज कर सकते हैं और आपका बजट है परचेज करने का एक अच्छा स्ट्रेटनर, तो आप आइकॉनिक का ही परचेज कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप खुद के लिए परचेज कर रहे हैं तो आप फिलिप्स कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका पार्लर है, सैलून है, या आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो आप डेफिनेटली आइकॉनिक कर लीजिए। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है, मुझे तो आइकॉनिक ज़्यादा, क्योंकि मैं प्रेफर इसको करती हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है। तो आप देखिए आपको कौन सा चूज करना है, अच्छी दोनों ही? तो इस तरह से देखिए आपको, आपकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।